घर की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ मेरी टू डू लिस्ट में हमेशा कुछ ऐसे काम रहते हैं जिनको मुझे टेवाइज करना होता है। जैसे कि आज के लिए मेरा एक मुख्य काम था कि मुझे आज नर्सरी जाना है और कुछ प्लांट्स लेकर के आने हैं, लेकिन सुबह सुबह ही घर के पास एक प्लांट बेचने वाला आया था। मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेती हूँ, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है लेकिन थोड़ा जाने का बच जाता है। ये सोच करके मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे, लेकिन उसके पास इतने अच्छे प्लांट्स नहीं थे। स्पेशली मुझे तो सीजनल प्लांट लेने थे जो कि गर्मियों में अच्छे से चले, उसके पास पोर्चुलका के अलावा और भी कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो फिलहाल के लिए मैं इसमें पोर्चुलका लगा देती हूँ, और वहीं से खाद ली, वहीं से प्लांट्स लिए और दो गमले मैंने लगाए। लेने तो मुझे ढेर सारे थे लेकिन प्लांट्स अच्छे नहीं थे जिसके कारण मैंने नहीं लिए। तो मैंने यहाँ पर ये गमले खाली लगे हुए बहुत ख़राब लग रहे थे मुझे, इस करके मुझे यहाँ से लेने पड़े। हाँ, कभी नर्सरी जाऊँगी अभी जल्दी ही, तब आपके साथ में फिर से शेयर करूँगी। तो बस अपने प्लांट लगाए और उसके बाद में कर दी यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई। और कोई भी खाली गमला उतना अच्छा नहीं लगता जितने कि उसके अंदर चाहे छोटे से ही प्लांट्स लगाओ आप, लेकिन वो तब देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और गार्डन की शोभा तो इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों से होती है। अभी ये गमला खाली रह गया है, अगर मुझे और अच्छे प्लांट्स मिल जाते तो मैं वो भी लगा लेती, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे से प्लांट थे जिसकी वजह से मैंने लिया नहीं। फिलहाल सुबह के सारे काम से फ्री होने के बाद में मैंने नहा लिया था, और आज चूँकि शुक्रवार था तो माता रानी को स्नान कराना था। मैं अपने सभी देवी देवताओं को स्नान करा के उनका श्रृंगार और वस्त्र वगैरह चेंज करती हूँ। तो बस झटपट से आज यही काम निपटाया, पहले घर का और उसके बाद में अपनी माता रानी को, अपने सभी देवी देवताओं को मैंने अच्छे से स्नान करा के वस्त्राभूषण पहना करके उनका पूरा जैसे भी मैं करती हूँ वो किया है। और शुक्रवार को मेरी पूजा रहती है, तो आप सबके साथ में मैंने स्पेशल वीडियो इसके लिए शेयर किया हुआ है काफ़ी टाइम पहले। अगर आपने नहीं चेक किया है तो लिंक दे दूंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो डेली बेसिस पर तो कुछ पर्टिकुलर देवी देवताओं को मैं स्नान कराती हूँ, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मैं मोस्टली सारे ही देवी देवताओं को स्नान करा के उनके वस्त्र आभूषण चेंज करके और फिर मेरी पूजा होती है। तो ये सारे काम मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कर लूँ। तो ये सब हो गया है, मंदिर भी साफ़ किया था एक दिन पहले, तो मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। और साफ़ सुथरे मंदिर में पूजा करो, अच्छे से मंदिर को सजाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद में पहला काम होता है जोत जगाना, और तिलक वगैरह लगा करके जितने भी मैं इत्र वगैरह लगाती हूँ यहाँ पर कलश स्थापना करनी होती है। तो मैं ये कलश स्थापना करके फिर जो भी पाठ होता है मेरा पाठ करके आरती करके फिर भोग लगाया जाता है। और इन सारी चीज़ों में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपके साथ में डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा मंदिर वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। ब्रेकफास्ट के काम के बाद में मैंने लंच भी प्रिपेयर करने रख दिया था, और आज सुबह सुबह किया था लॉन्ड्री का काम। तो लॉन्ड्री के कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ, और साथ ही साथ बच्चों की अलमारी जो रहती है ना, वो कभी भी कबोर्ड उनकी ठीक नहीं रहती है। तो अन्वेषा की ये कुछ मैंने बास्केट्स बनाई हुई हैं जिसमें सामान को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो अच्छे से उसको ईजी रहता है एक्चुअली उसको निकालना। तो इस तरीके से मैं घर पर ही बनाती हूँ ये बास्केट्स, मैं बिल्कुल भी मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। इस तरीके से पुराने कपड़े और कार्डबोर्ड भी रिसाइकल हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत पहले ली थी मैंने एक दो बास्केट जो कि यूज़ में आ तो रही है, लेकिन बड़ी बास्केट जो होती है ना वो अपनी ज़रूरत के अनुसार हम बड़ी या छोटी अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें घर पर बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि मैं लस्सी की रेसिपी शेयर करूं, तो देखिए लस्सी तो हर जगह की अलग अलग होती है, मैं किस तरीके से बनाती हूं वो आपको बता रही हूं। जैसे कि 500 ग्राम दही के अंदर मैंने डाला है काला नमक, जीरा पाउडर, और इसके साथ में चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा जो ड्राई पुदीना होता है उसका पाउडर डाला है, और डाला है थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी। इस तरीके से करके अच्छे से इसको मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद में
सबसे पहला भोग लगेगा लस्सी का मेरे कान्हा जी को, और उसके बाद में एक गिलास मैंने अन्वेषा के लिए रख दिया है, एक गिलास अपने लिए रख दिया है। हस्बैंड गए हैं एक्चुअली देहरादून मम्मी के पास में, मम्मी से मिलने, मेरी मदर इन लॉ से, तो वहाँ पर 2-3 दिन से गए हैं। तो मैं और अन्वेषा ही हैं घर पर, तो बस अभी लस्सी को इंजॉय करेंगे। और उसके बाद में लंच तो मैंने बना ही दिया था, लंच के बाद में मुझे जाना है कहीं बाहर। इस तरीके से छाछ या लस्सी घर में बना करके पीने से गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और ठंडा रहता है बॉडी, तो इस करके ज़रूर पीना चाहिए। और अभी हम हो गए हैं रेडी, मैं और अन्वेषा जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने। एक्चुअली मुझे करनी थी कुछ नाइट सूट्स की शॉपिंग, तो मैंने ऑनलाइन ही लेती हूँ, मैं कभी भी मतलब ऑफलाइन कम ही पसंद करती हूँ। लेकिन इस बार सोचा कि चलो इस बार थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, इसी के कारण मैं आई हूँ मार्केट देखने के लिए। बहुत सारे शोरूम्स, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे मॉल्स वगैरह में मैं 2 मॉल्स में भी गई थी एक्चुअली। लेकिन मुझे क्या क्या खरीदा है और क्या क्या चाहिए था वो आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप यहाँ पर इंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी हूँ मैं 7 फेस में मिनीसो में, और मिनीसो से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। अन्वेषा को यहाँ पर काला खट्टा गोला खाना था, तो मैं यहाँ पर गोले खाने के लिए उसका वेट कर रही हूँ, और अब उसके बाद में उसको कुछ और खाना था। तो हमने पहले की पेट पूजा, और उसके बाद में हमने जो शॉपिंग की थी वो भी आपको दिखाऊंगी, आगे तक बने रहिएगा वीडियो में। अन्वेषा को टिक्की बहुत पसंद है, तो टिक्की हमने खाई, और हमने जो शॉपिंग करनी थी वो पूरी तो नहीं कर पाए क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो हम वापस से आगे घर घर आज है नेक्स्ट डे, और मैं बना रही हूँ एक ड्रिंक, जिसके लिए मैंने लिया है बीटरूट, टमाटर, गाजर और पुदीना। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक, और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि कोई चंक्स ना रहे, और ऊपर से डालूँगी आधा नींबू, और ये एक स्मूदी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती, मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा हर किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं अपने लिए और अन्वेषा के लिए बना रही हूँ, और इसको पीने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। ज़्यादा थक गई थी और आने के बाद में लग गई थी अपने कुछ कामों में, जिसकी वजह से आप सबके साथ में शॉपिंग शेयर नहीं कर पाई। फिलहाल आज शेयर कर रही हूँ। मैं एक्चुअली गई थी अपने नाइट सूट्स लेने के लिए। आपने भी देखा होगा कई बारी मेरे डेली वीडियोस में कि नाइट सूट्स मेरे पास रहते नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो नाइट सूट लेने के लिए ना मैं काफी टाइम से, पहले तो मैंने सोचा इस बार ना, मैं हमेशा ऑनलाइन ही लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार ना पहले मार्केट में ट्राई करती हूँ, हो सकता है अच्छा मिल जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बहुत सारी मार्केट में ढूंढे, लेकिन मेरी पसंद के या मेरे कंफर्ट के हिसाब से जो मुझे चाहिए थे उस टाइप का कोई नाइट सूट मिला ही नहीं। तो मैंने तो सोचा कि भाई मैं तो ऑनलाइन ही अच्छी हूँ, मैं ऑनलाइन ही ले लूंगी। लेकिन हाँ, लेने को तो मैं पहले भी ले लेती, लेकिन मैंने इसी करके नहीं लिया, मेरे को मार्केट में भी एक बार ट्राई करना चाहिए। थोड़ा सा रेट जो होते हैं उनका थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो मैंने अभी फिलहाल कोई नाइट सूट नहीं लिया है। बाकी गई नाइट सूट लेने के लिए थी, लेकिन लेकर के कुछ और आई हूँ। तो क्या लेकर के आई हूँ वो आपके साथ में वन बाय वन करके शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लेकर के आई एक ये बहुत ही खूबसूरत सी जूती है, आप देखिए, ये व्हाइट कलर की है, और इसमें ना थोड़ा सा गोल्डन कलर से एम्ब्रॉयडरी की है, और ये ना घुंघरू लगे हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास ऑफ व्हाइट, व्हाइट कलर के एक 2 सूट हैं, 2-3 सूट हैं, तो उनके ऊपर पहनने के लिए मैंने लिया है। अच्छी लगती है समर्स में ना, आप व्हाइट के ऊपर पूरा आप लुक बना करके कहीं पर भी अगर जाते हो तो व्हाइट लुक बहुत कूल लगता है, मतलब देखने में ना आंखों को ठंडक देता है। तो मैंने एक ये ली है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ये टॉप, और जहां से मैं नाइट सूट्स देख रही थी, मैं कई जगह मॉल में भी गई, शॉप्स में भी गई, शोरूम्स में भी गई, तो मुझे ना कहीं कोई भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये मैंने एक टॉप लिया है जो कि मुझे बहुत ज्यादा चुभ रहा है क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ गया मुझे। मैंने ना इसका प्राइस टैग देखा नहीं था, और जब देखा तो जब काउंटर टॉप पर पहुंची तब मैंने इसका प्राइस टैग देखा, तो मुझे उसके हिसाब से उतना वर्थ इट नहीं लगा। लेकिन चूंकि मैंने काफी सारी चीजें ली थी, फिर मैं इसको ना वापस नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास व्हाइट कलर का टॉप चाहिए ही था, इस करके मैंने लिया है। इसका प्राइस है ये 999 इसका प्राइस है, और लेसी है, और इसके ऊपर टेक्स भी था। आपको ये दिखाऊं, ये पूरा लेस में है, स्लीव्स के ऊपर भी लेस है इस तरीके से,
लेस नहीं है ये, एक्चुअली ये कट वर्क शफीली वर्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और नीचे के साइड में भी है। कपड़ा तो बहुत अच्छा है इसका नो डाउट, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ना टॉप के लिए, मैंने तो ऐसे ही कैजुअली पहनने के लिए लिया था, और ये क्रॉप टॉप है इस तरीके से, देखने में तो अच्छा है। 999 इसका ये था, और इसके ऊपर 5% टैक्स लगा है, तो ये इतने का पड़ा है। मैं सोच रही थी कि इसको छोड़ दूं, बट फिर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। फिर कई बार क्या होता है ना, चीज पसंद होती है लेकिन हम कभी प्राइस की वजह से, कभी क्वालिटी की वजह से छोड़ देते हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं छोड़ दूंगी तो बाद में मुझे रिग्रेट होता रहेगा, इससे अच्छा ले ही लो। बाद में गई थी मिनीसो, और मिनीसो ना मैं कुछ स्पेशल चीज लेने के लिए गई थी, वहां पर मुझे नहीं मिली, वो नया स्टोर जो था वो ओपन हुआ था, और शीट मास्क मुझे अच्छे लगते हैं मिनीसो के, तो ये 3 लेकर के आई हूँ। ये नए थे, वैसे तो और भी लेकर के आई हूँ, बट रेगुलर वाले लेकर के आई हूँ, ये मुझे थोड़े नए लगे इस करके ये लेकर के आई हूँ 3। तो ये जो नए थे मैंने सोचा चलो आपको ये नए वाले दिखाती हूँ। ये हिबिस्कस का है और ये लोटस वाला है। अब ये मुझे नहीं पता इसका जो साइज है शीट मास्क का वो कैसा होगा। मिनी सुपर ना इस तरह के डीओ आए हुए थे बॉडी स्प्रे, तो एक ये लेकर के आई हूँ। मुझे बॉडी स्प्रे का, परफ्यूम्स का ये काफी बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ और मुझे दिख जाता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ले जाऊं। हालांकि ये तो बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम मैं मार्केट गई थी तो एक ये ना चांद वाली टाइप की इयर रिंग लेकर के आई थी, तो मैं इसको वापस लेकर के गई थी कि मैं इसको चेंज कर लूंगी या इसको वापस कर दूंगी, लेकिन बारिश की वजह से ना वहां पर काफी सारी शॉप्स नहीं लगी थी, तो ये मेरी ऐसे ही रह गई। और ये क्यों वापस कर रही थी इसका रीजन बताती हूँ, पहले आपको ये दिखा देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर से है वैसे तो, लेकिन एक तो ये काफी हैवी है, मैं रात में लेकर के आई थी एक बारी, तब मुझे उतना मतलब लगा करके पहन करके नहीं देखा था, मैंने जस्ट ऐसे ही लगा करके देखा था, तब मुझे लग रही थी ये बहुत सुंदर है, सुंदर है नो डाउट, लेकिन एक तो हैवी है और मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं पहनती, दूसरा इसमें ना एक ये कुंदन जो है ये वाला तो लगा है और ये वाला निकला हुआ है, और अंधेरे में ना मैंने देखा ही नहीं था, तो मैंने सोचा था इसको ले जाऊंगी, अब इनको रखना पड़ेगा मुझे, तो ना मैं किसी और तरीके से यूज करूंगी फिर, और जब यूज करूंगी तो आपको बताऊंगी, क्योंकि अब ये आ गए हैं तो इनको यूज तो करना ही है। और एक मैं ना दूसरी शॉप पर भी गई थी तो वहां से लेकर के आई हूँ ये वाला एक सनस्क्रीन, ये ममा अर्थ का है बीटरूट वाला, तो ये ना काफी अच्छा है, मैंने कल लेकर के आई थी, आज मैं मॉर्निंग में 2 बार अप्लाई किया है, मॉर्निंग में अप्लाई किया था और अभी अप्लाई किया था, तो मतलब जो ग्रीसी ग्रीसी होता है ना वो नहीं है इसमें, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। और एक लेकर के आई हूँ ये परफ्यूम, ये मुझे बहुत पसंद है, ये हस्बैंड के लिए है एक्चुअली। सो दोस्तों बस यही छोटी सी शॉपिंग थी जो मैं करके लेकर के आई हूँ, नाइट सूट्स वगैरह जब लूंगी तो आपके साथ में शॉर्ट्स पर शेयर करूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।